नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के स्वेटर में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे चार चार फंदे हम गिने तो लास्ट में एक फंदा बचना चाहिए। पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदे हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर चौथा फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदे को स्लिप करना है और चौथे फंदे को सीधा। तीन फंदे को स्लिप करना है और चौथे फंदे को सीधा। तो तीन फंदे को स्लिप करते हुए और चौथे फंदे को सीधा बुनते हुए हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और चौथे फंदे को उल्टा, फिर ऊन को दूसरी ओर करेंगे, तीन फंदे को स्लिप करेंगे, जिसे हमने पिछली लाइन में स्लिप किया था उन तीन फंदों को स्लिप करेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, फिर ये बुना हुआ फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन को दूसरी ओर करेंगे, तीन फंदा स्लिप किया हुआ तीन फंदा वापस स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और ये बुना हुआ फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमने दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली। तीसरी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तीसरी लाइन में हमने अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है। तो चौथी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है। तो हम दो फंदों को स्लिप कर लेंगे। तीसरे फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन सीधा बुनने से पहले सिलाई को, ये जो हमने स्लिप किया था तो धागा आगे रह गया है, इस धागे के नीचे से ऐसे सिलाई ले जाएंगे और तीसरे फंदे को हम सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। सीधा बुना, फिर सिलाई को धागे के नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर चौथे फंदे को हमें सीधा बुनना है। सीधा बुनने से पहले धागे सिलाई को नीचे से, ये धागा है इसके नीचे से निकालेंगे और चौथे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब सीधा बुनने के बाद वापस सिलाई को धागे के नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे और चौथे फंदे को हमें सीधा बुनना है। सीधा बुनने से पहले जो हमने धागा फंदा तीन फंदे स्लिप किए थे तो धागा आगे से गया था, तो इस धागे के नीचे से ऐसे सिलाई ले जाएंगे और चौथे फंदे को सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद फिर से सिलाई धागे के नीचे से निकाल लेंगे। अब इन दोनों फंदों को हमें स्लिप करना है, तो हम यहीं से ऐसे टर्न कर ले रहे हैं। अब इस फंदे को हमने, जिसे हमने अभी बुना है, इसे वापस हम उल्टा बुनेंगे।
अब इन तीन फंदों को हमें स्लिप करना है। तो स्लिप करने से पहले हमें धागे को दूसरी तरफ करना होगा। फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे। अब ये बुना हुआ फंदा है, इसे वापस उल्टा बुन लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदे हमें स्लिप करना है। तो तीन फंदे हम स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है। अब दो फंदा हम स्लिप कर लेंगे। तो ये हमने छह लाइन कंप्लीट कर लिया। सातवीं लाइन में फिर अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो सातवीं लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। आठवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब ये हमारा नवा लाइन है। तो नवा लाइन पहले लाइन की तरह बनाया जाएगा। पहला फंदा हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदे हम स्लिप करेंगे। अगले फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन सीधा बुनने से पहले ये जो धागा है स्लिप किया हुआ हमने स्लिप किया था, तो ये जो धागा हम आगे से ले गए थे इसके नीचे से हमें सिलाई निकालना है। तो सिलाई नीचे से निकालेंगे, या फिर इस धागे को हम इस सिलाई पे बाएं सिलाई पे ऐसे चढ़ा दें और अब चौथे फंदे को आराम से सीधा बुन लें। तो धागा अपने आप ही उस पर चढ़ जाएगा। फिर तीन फंदे हम स्लिप करेंगे। अब इस धागे को उठाएंगे और बाएं सिलाई पे ऐसे चढ़ा देंगे और चौथे फंदे को सीधा बुन लेंगे। तीन फंदे स्लिप करेंगे और अब यहाँ पे तो धागा है नहीं, तो चौथा फंदा यूं ही हम सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप किया जाएगा, लेकिन स्लिप करने से पहले धागे को हम दूसरी तरफ कर लेंगे। फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे, अब फिर हम धागे को अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा। फिर इन तीन फंदों को हमें स्लिप करना है, लेकिन धागे को पहले हम दूसरी तरफ कर लेंगे। तीन फंदा स्लिप करेंगे और फिर धागा अपनी ओर और अगला फंदा उल्टा। तीन फंदा फिर उन दूसरी ओर तीन फंदा स्लिप करना है, धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। अब हमें प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुनने हैं। तो दो लाइन हम प्राइमरी कलर के ऊन से बुन रहे हैं, फिर दो लाइन सेकेंडरी कलर के ऊन से। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। दो लाइन प्राइमरी कलर के ऊन से बुनने के बाद अब फिर हमारा अगला दो लाइन सेकेंडरी कलर के ऊन से होगा। तो दो फंदे हम स्लिप करेंगे। अब तीसरे फंदे को हमें सीधा बुनना है। सीधा बुनने से पहले सिलाई को धागे के नीचे से ले जाना है और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर सिलाई को धागे के नीचे से वापस निकाल लेंगे। फिर तीन फंदा सीधा, या फिर हम इस धागे को उठाएंगे, बाएं सिलाई पे ऐसे चढ़ा देंगे और फिर इस चौथे फंदे को नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तीन फंदा स्लिप करेंगे, धागे को उठा के बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे और फिर चौथे फंदे को नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदा लास्ट पड़ेगा, इसे हमें स्लिप कर लेना है।
तो ये हमारा डिजाइन देखिए स्पष्ट हो गया। तो आशा है आपको डिजाइन समझ में आ गया होगा। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है, बनाने में आसान और बनने के बाद बेहद खूबसूरत। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है, सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है, बनाना आसान और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत है। इसे आप अपने स्वेटर में ट्राई कीजिए, स्वेटर की खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है। यदि आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।